कैसे व्यापार न्यूज चैनल, मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। साल 2020 जो अत्यंत दुखदायी रहा उसे पीछे छोड़ आज हम नववर्ष 2021 में काफी उम्मीदों के साथ कदम रख चुके हैं। साल 2020 सभी के लिए दुखदायी रहा, पहले गैस लीक, फिर प्रोटेस्ट और फिर कोरोना जैसी महामारी ने लोगों से अपनों को छीन लिया। लेकिन 2020 में दो ऐसे कार्य भी हुए जो ऐतिहासिक रहे, पहले जम्मू कश्मीर से 370 का हटना और दूसरा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना जैसे शुभ कार्य हुए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल चैत्र से शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये धुंध को सहसा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन सा रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, घर घर खुशहाली आएगी, तब चैत शुक्ल की प्रथम तिथि पर नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यव्रत की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। ये एक ऐसा सत्य है जो हमेशा भारतवर्ष की संस्कृति और संस्कार को जोड़ता ही नहीं बल्कि याद भी कराता है। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के सीईओ हैं कुमार विजय और चैनल के चेयरमैन हैं आरके जलान। इस चैनल की 27 राज्यों में ब्रांच है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल को करीब 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अपने 5वें वर्ष में ये प्रवेश कर चुका है। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है जो वैश्य समाज की आवाज को बुलंद करता है। इस चैनल पर विश्वास रखते हुए उच्च पदाधिकारी, व्यापारी और कई सदस्यगण जुड़े हुए हैं। इस चैनल का उद्देश्य है कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन कर आवाज बुलंद करना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नए साल के शुभ अवसर पर माननीय गणों के बधाई संदेश आपको देने जा रहे हैं। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के सीईओ कुमार विजय और चैनल के चेयरमैन आर के जलान ने नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती हमारी मजबूती है। इसी के साथ वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक राजीव रंजन गुप्ता के साथ वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के सभी आजीवन सदस्यों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही अखिल भारतीय रोनियर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रांची हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हेमंत गुप्ता ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं चैनल बोर्ड मेंबर और वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष यशपाल गुप्ता ने भी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अशोक अग्रवाल ने भी शुभकामनाएं दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन एवं भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अशोक कुमार नवरतन ने भी शुभकामनाएं दी। इसी के साथ वैश्य न्यूज चैनल बोर्ड के मेंबर जयकिशन गोयल ने नववर्ष और श्याम जाजू उप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और आदेश गुप्ता अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद लिया। वैश्य व्यापार के बोर्ड मेंबर और अग्रवाल फाउंडेशन के चेयरमैन टीआर मित्तल, वासुदेवम स्कूल के चेयरमैन बजरंग मित्तल, रोनियर वैश्य सभा के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने भी शुभकामनाएं दी। IPVF दिल्ली की दिल्ली NCR की शाखा, जिला पश्चिम दिल्ली के प्रभारी श्री कृष्ण चंद पोरवाल व जिला अध्यक्ष श्री शिव शंकर पोरवाल व उनकी पूरी टीम के द्वारा IPVF दिल्ली संस्थापक श्री राकेश कुमार पोरवाल व श्री रमेश जी खन्ना, जिला अध्यक्ष BJP व श्री सतपाल पोरवाल पाली क्षेत्रीय निगम पार्षद की उपस्थिति में न्यू ईयर 2021 के उपलक्ष पर जरूरतमंदों के लिए भंडारा लगाया गया और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष
मनीष गुप्ता ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। भारतीय वैश्य महासभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर कुमार गुप्ता ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष अमित अग्रवाल व युवा प्रदेश अध्यक्ष गौरव महेश्वरी शिवम तयाल ने मुजफ्फरनगर साकेत कॉलोनी चौकी प्रभारी श्री सुनील नागर जी को सम्मानित करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। रायपुर से योगेश अग्रवाल ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता उत्तराखंड पहुंचे। वहां पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल को गुलदस्ता देकर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता और प्रेमचंद अग्रवाल पत्नी शशि प्रभा अग्रवाल सुपुत्री निमिका पुत्र पीयूष अग्रवाल एवं दामाद ऋषभ ने भी शुभकामनाएं दी। नीरज गुप्ता प्रदीप गुप्ता नीरज गर्ग RWA विवेक विहार एवं RWA महिला एसोसिएशन के प्रधान आनंद गोयल महामंत्री शिव कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष पंकज मित्तल अंशु जैन वाणी शर्मा प्रतिभा गोयल वल्लभगढ़ विधानसभा JJP पार्टी के ललित कुमार बंसल पूर्वी दिल्ली के अग्रवाल विकास परिषद के राजकुमार गुप्ता राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता अग्रवाल विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार SM इम्तियाज भारत लोक सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता अखिल भारतीय रौनियर वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर गुप्ता सनी गुप्ता अजय गुप्ता आहार विहार पत्रिका संपादक मिहिर झा मंजू देवी लता फेडरेशन ऑफ इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय के विभिन्न व्यापार मंडल एवं स्ट्रेट एसोसिएशन राष्ट्रीय संघ प्रदेश महासचिव राजद झारखंड जामताड़ा जिला प्रभारी ओवेसी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राजकुमार रीना रानी गुप्ता संपूर्ण भारत वर्ष रौनियर वैश्य गुप्ता समाज अनिल कुमार गुप्ता बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन कुमारी उर्फ सुमन सोनी जिला महासंघ मुक्ति मोर्चा के उमेश चंद्र गुप्ता दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर अनिल कुमार मीना अखिल भारतीय रौनियर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामायण प्रसाद गुप्ता राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विशाल आनंद रक्सौल बिहार से रौनियर वैश्य महासमाज के अरुण गुप्ता ने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं आपको बता दें कि नववर्ष की शुरुआत बवाना के पूर्व विधायक किराड़ी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने किसानों के साथ कड़कती ठंड में नववर्ष मनाया और उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही ये प्रार्थना भी की कि किसानों की समस्याएं जल्द समाप्त हो जाएं। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल की ओर से और सभी टीम की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि 2021 आपके जीवन में सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार।